देखियो, हम सब मिथिलांचल के छिए और हमेशा माँ मिथिला के लिए मैथिली कस्टम सूची में दै के लिए लड़ाई लड़ैत रहलिए। और हमेशा हम सब कहै छी माँ और मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होइ छै। तो माँ मिथिलांचल के हम सब छिए, तो हम सब हमेशा हमर अपना भाषा से प्रेम रहले हैं, ये खातिर हम लेलिए हन और अष्टम सूची में देलो गेले हन, तो ओकरो श्रेय हम सबके जाइ छै। नमस्कार, अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर और हम छी ललित नारायण झा। एखन हमरा सब दिल्ली में छी और लगातार जे नवनिर्वाचित सांसद लोकनि छथि तिनका सबसँ हमरा सब बातचीत कऽ रहल छी। और प्राथमिकता हमरा सबके ई अछि जे मैथिली में जे पाँच गोटा शपथ लेलनि हैं तिनका सबसँ बातचीत करी। हालांकि किछु गोटा पहिलहोसँ लैत आबि रहल छथि, तिनका सबसँ कतेको बेर हमरा सब बातचीत कऽ चुकल छी। और एखन लवली आनंद जी हमरा सब संगे छथि और एहि 18 लोकसभा में सबसँ पहिले जे छै से मैथिली में शपथ इएह लेलथि। शिवहरसँ नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद छथि, बहुत बहुत स्वागत अछि, अभिनन्दन अहाँके। धन्यवाद जी। मैथिली में शपथ ग्रहण अपने केलहुँ और कहबे केलहुँ हैं जे पहिल व्यक्ति छलहुँ हैं एहि बेर मैथिली में शपथ ग्रहण करैवाली या करैवला, तऽ ई विचार केना अयलै जे अपना मातृभाषा में शपथ लेब? देखियौ, हम सब मिथिलांचल के छियै और हमेशा माँ मिथिला के लिए मैथिली कस्टम सूची में दै के लिए लड़ाई लड़ैत रहलियै। और अटल जी के समय में आनंद मोहन जी काफ़ी संघर्ष करके, और स्वर्गीय तारकांत झा जी हुनकरो संघर्ष रहले, और अटल जी के समय में अष्टम सूची में दै के श्रेय हुनके छै, आनंद मोहन जी और ताराकांत झा जी के। और तो हमेशा हम सब कहै छी माँ और मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होइ छै। तो माँ मिथिलांचल के हम सब छियै, और तो हम सब हमेशा हमर अपना भाषा से प्रेम रहले हैं, ये खातिर हम लेलिए हन और अष्टम सूची में देलो गेले हन, तो ओकरो श्रेय हम सबके जाइ छै। अपने आनंद मोहन जी के बात केलहुँ तऽ हुनकर जे संघर्ष रहलनि हैं या फिर परिवार राजनीतिक शीर्ष पर जाकर पुनः नीचा अयलै, फिर अपने एक सुपुत्र चेतन आनंद जी के राजनीति में एनाय, फिर ओहिठामसँ चीज बदललै, तऽ केहन समय रहलै? देखियौ, इंसान के जिंदगी में तो बहुत संघर्ष एते रहै छै, हर आदमी का हर तरह के संघर्ष होइ छै, हर तरह के कठिनाई के सामना करय पड़ै छै। लेकिन हम फिर से हम शिवहर के महान जनता के अहाँके द्वारा फिर आभार व्यक्त करै छियै कि हर मुसीबत के घड़ी में शिवहर साथ देलकै। पहले आनंद मोहन जी के दू दू बार सांसद बनेलकै, फिर जाकर वहाँ बेटा के MLA बनेलकै, एक बार हम 300 वोट से हारलिए रहे MLA वाला में, और फिर पुनः जे छै लोकसभा में सब देलकै साथ, हम उनका प्रति आभार व्यक्त करै छियै। और कठिन तो रहते छै रहे, लेकिन और ओ में घटना में जे कि रहबे नहीं करथिन, इतना निर्दोष रहे तो हुए, 16 साल के वक्त कम नहीं होइ छै, 16 साल निर्दोष आदमी जेल में काट लखिन। लेकिन हमेशा से सोचते रहिए कि एक ने एक दिन बाहर निकलथिन, एक ने एक दिन सब कुछ ठीक हो जेते, भगवान पर भरोसा, जनता पर विश्वास। तो ई खातिर हमरा जे छै 16 साल केना बीत गेले हमरा पता नहीं चलले। कहल जाइ छै कि व्यस्त मनुष्य के जीवन में आंसू बहावे के लिए भी फुर्सत नहीं होइ छै, तो हमरा उहे चीज लागि रहलै कि हम अपना के व्यस्त रहलिए, बाल बच्चा सब संघर्ष करलकै, सब जे छै कठिनाई के घड़ी में भी मार्च करैत रहले, न्याय मार्च, पैदल यात्रा, और अपन लक्ष्य पर तीनों बच्चा बढ़ित रहले। ये जेना कि जे चेतन आनंद छे वो अपन कोर्स भी करे रहे, और फिर न्याय के लिए भी हम अकेले नहीं पड़ जाऊँ तो हमरो साथ दे रहे, जनता के बीच भी जाए रहे। बेटी जे छे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनले, लॉ के एक तरह से ललके की तरह से पापा जे छे अंदर गेले हैं। छोटा वाला जे अंशुमन आनंद, अंशुमन आनंद भी 30 मेडल कम से कम लेलकै, सुब्रतो खेललकै, गोल्ड मेडल जीतलकै। ओकर बाद जे छै वहाँ लंदन जाके MA करके डिग्री हासिल करके लानलकै, और एक चुनौती के अच्छा से सम्हारलकै, और सब ओकर बाद भी वहाँ से भी आबि आबि के सब पैदल यात्रा, पापा के निकाले के लिए संघर्ष, तो इस सबके भी योगदान रहले। ऊपर से हमरा साथ जनता और जनार्दन दोनों के रहले कृपा, भगवान ऊपर वाले के। और लास्ट में तो हम ये कहे कि जब कानून में संशोधन के बात भले, तो जब सुप्रीम कोर्ट के रहे एक रहे लाइन कि जो जे हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट के अथी के फॉलो करल जेते कि एक तरह का लॉ होना चाहिए ना, हर स्टेट में, तो बिहार में अपना नहीं रहे, तो ओकरा नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री ओकरा संशोधन करके
फिर जाके जे छे आनंद मोहन जी समेत 2700 बंदी के बाहर निकालते थे। उनका प्रति भी हम फिर से आभार व्यक्त करे छे कि कानून में संशोधन सुप्रीम कोर्ट के लाइन के अनुसार भले गाइडलाइन के अनुसार चीज भले। बहुत रास बात आनंद भाई से हुनका से जन बैसब तो हुनकर जे बातचीत छन ओहि पर, लेकिन एकटा चीज जे पावर सेंटर भेनाइ समाज के लेल काज केनाइ और जखन बच्चा के अपना माय बाप के सबसे बेसी जरूरत रहै छै तै समय में 16 साल हमरा लगैए जे एक नै डेढ़ युग के अंत भ जाइ छै ऑलमोस्ट। अगर 10 साल के एक जनरेशन हमरा सब कहै छै तऽ कमोबेश लगभग पौने दू जनरेशन के गैप भ गेलै। राजनीतिक शीर्ष पर रहनाइ, दू दू बेर शिवहर के प्रतिनिधित्व केनाइ, अपना समाज के लेल ठाड़ भेनाइ हर तरह से, और हम और धीरू भाई अहठन नीचा में बात करैत रही अहीं के ओहि दिन का जे समय रहल ते में, जे जो आनंद मोहन जी के अपन जे व्यक्तित्व रहलन है वो अगर एक तरफ राखि दिए तो ओहिमे लवली आनंद जी के या हुनकर पत्नी के सो बड़ पैघ योगदान, जे तीनटा बच्चा के लोका आगा बढ़नाइ, फिर पति के संग रहनाइ, ओ लड़ाई लड़नाइ, और बच्चा सबके जखन कहबे कल वहाँ पिता के जखन सबसे बेसी जरूरत हेतै तखन बेटी के निकलऽ पड़ै छै, जे पिता के रिहाई के लेल एकटा साक्ष मतलब सिग्नेचर अभियान चलाबऽ पड़ै छै, एहन एहन तरह चीज। तऽ हम आब लगैए जे धीरे धीरे जहन चीज एकदम सतह पर आबि रहल छै तऽ ई सोचि कऽ कखनो इमोशनल होइत हेबै, भावुक होइत हेबै, एहन तरह चीज, या सुकून तऽ बहुत दैत हेतै ई सब चीज? नहि देखियौ, भरोसा विश्वास रहै, आओर जे हमरा लगै छै कि बहुत जे महापुरुष के भी जीवन लोग पढ़े छे तो जीवन में बहुत संघर्ष, और जे जमीन से जुड़ल रहे छे, जे जनता के बीच रहे वाला रहे छे, ओकरा जीवन में बहुत परेशानी आवे छे, तो उ सब से भी एक ताकत होय छे मिले। और बच्चा सब भी हमेशा से तीनों बच्चा छोट से बड़ हो गए तो उ सब भी हम बहुत संभाल लके बहुत ज्यादा एकदम मतलब चलना पॉजिटिव लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह से भले। और आनंद मोहन जी से भी जब मुलाकात हुए तो ऊर्जा भरे के काम भी करे रहते, किताब लिखे तो हुए हैं, चार चार पांच पांच किताब लिखे, लेकिन वो अपन वक्त के बेकार नहीं जाए दिलखिन। पर्वत पुरुष दशरथ माँ जी के जीवन पर जब वो लिख लखिन लेख तो वो जो CBSE बोर्ड में पढ़ावे लगे पूरा देश में, तो जब हमरा के भी प्रेरणा मिले, बच्चा के भी प्रेरणा मिले कि जब वो अंदर रह के वो जब अंदर में रह के जब हिम्मत नहीं हार लखीन हन तो बाहर तो यहाँ पर खुली आकाश है, सब कुछ हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह से बच्चा सबके भी मन में प्रेरणा आवे, तो ये सब भी भले, ऊपर वाला ईश्वर भी रहले साथ, और सब कुछ संघर्ष में जी छे, संघर्ष ही जीवन छे, और क्यों निखर जाए छे, नहीं नहीं, संघर्ष में जी छे इंसान के धैर्य धारण करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम सबको समझावे भी दिए, ये भी लोग दुखी हुए कि भाई जब सूर्य ऊपर उगता है एक दिन तो ढलता भी है रात में, आज दिन है तो रात भी होगी, रात है तो फिर दिन भी, तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए। ये खातिर हम सबको समझावे दिए कि हिम्मत से काम लिए, और सुबह के बाद कोई यहाँ पर रहे के लिए नहीं अले हैं, ये सब हम सब एक ड्रामा के नाटक के पात्र छे, सुबह छे शाम छे सब कुछ हेतु, एक दिन उजाला हेतु, और ऊपर वाले के पास विश्वास रखबाक चाहिए। राजनीतिक फेलियर से हो लगातार, अपने कहलों जे एक बार 300 वोट से हार गेलों, फिर सहरसा से होने रहे हारलों ने तो हमरा को हराइल गेले रे काउंटिंग में, जी जी जे होय, लेकिन जे रिजल्ट छे ओ तो रिजल्ट, हां वो ओकरा स्वीकार करबाक चाहिए, पाछा तो 80-85 हजार तो हमरा वोट सहरसो में एले रहे, जी बिल्कुल, हम बिल्कुल देखे रहलिए के ओकरे बात कर रहल छी। हिम्मत इंसान के नहीं हारना चाहिए, सुनो जहां जी तो बहुत तरह के बात से होई छे, जी चलत रहे छे। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच में शिवहर की चूंकि आनंद बाबू अपने दू बेर ओहिठाम से प्रतिनिधित्व कैलथ है, और एखन अहाँ सब NDA में छी, तो NDA के सीट पिछला कै बेर से रहलैए, तो एखन नवनियुक्त जे सांसद भेलथि हैं लवली जी, हुनका से अगर पूछी जे शिवहर में कोन कोन एहन काज छै जे अहाँके प्राथमिकता पर छै, तऽ ओहिमे कोन कोन एक दूटा चीज लगै छै जे पर सबसे बेसी काम? देखियौ सब बहुत तरह के छै, शिवहर हमेशा रहलै हन पिछड़ा जिला, और लेकिन बहुत काम भेलै भी, लेकिन बहुत जे मेन काम छै सेंटर से संबंधित काम छै रुकल, तो ओकरा छै एक पुनौरा धाम, जानकी जी के जे छै जन्म स्थली पुनौरा धाम छियै, और पुनौरा धाम में अभी जे छै बिहार के मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष नीतीश कुमार जी वहाँ देलखिन हन 72 करोड़ 47 लाख मंदिर के जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण के लिए। फिर एनाइए देश के जी प्रधानमंत्री जी छे
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 500 करोड़ के पहल 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 भाई मिथिलांचल शिवहर सीतामढ़ी सहित हम तो आभार व्यक्त करै छी। और भी चाहे छी हम अयोध्या के तर्ज पर माँ जानकी के भव्य मंदिर बने पुनौरा धाम में, हम भी अभी जे छे सिक्का सब जितना भी भेले हम ओहे में दान कर लिए जीर्णोद्धार के लिए, जे सिक्का से तौलल जाए क्षेत्र में हम पूरा पुनौरा धाम में अर्पित कर दिलिए कि जीर्णोद्धार में लग जाए पैसा, और भी जरूरत है ते और भी करबे। और दोसर छे कि रेलवे लाइन नहीं छे शिवहर में, बार बार उठले हन आनंद मोहन जी के समय में भी सर्वे कराए के रखल छे, जे रामविलास जी रहथिन उस समय में रेल मंत्री, उ काम के भी कराना छे रेल लाइन के। और तीसर अहाँ जान रहल छी कि रीगा चीनी मिल किसान के बरसों से बंद पड़ल छे, जिसके कि किसान के बहुत नुकसान भए रहल छे, हमू किसाने परिवार के बेटी छी सेहो जान लियो, किसान के समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहबे और इहो कराना छे। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेहो शिवहर में जना रोड के व्यापक स्तर पर निर्माण या फिर किछु एहन पुल छले हमरा सबके कतेक बेर आयल छल जे कनेक्टिविटी के स्तर पर सेहो कतौ ने कतौ शिवहर के बहुत सारा चीज बेटा बहुत कुछ करेलकै हन चेतन आनंद MLA जब छै शिवहर विधानसभा के, वहाँ तो डिग्री कॉलेज नहि रहै इंजीनियरिंग कॉलेज नहि रहै, सब करवाना वहाँ पुल भी कराना और वहाँ रोड भी बनले पुल पुलिया भी 2-3 साल में ही, 1 साल में तो कोरोना में, लेकिन अभी भी वहाँ पर जे छे बहुत सारा विकास के जेना काम होनाए बाकी छे, जे खोड़ी पाकरपुर छे, ललबेगिया पुल छे, बागमती पर छे पुल, ई सब भी काम जे छे सब कराना छे, जे केंद्र से संबंधित छे और जे राज्य से संबंधित छे हमरा के पूरा कराना छे, पूरा सजाना संवारना छे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते, क्योंकि शिवहर के ऋण हम सबके ऊपर पूरा परिवार पर छे, तो हम सब चाहबे कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम केंद्र से हो जाए राज्य से हो जाए, उम हम कभी पीछे नहीं रहबे। तुरंत बाद जे छे से विधानसभा में जा रहल छी, कारण लोकसभा के जब अहाँ सब कनेक्ट थी रहब तो फिर विधानसभा के तैयारी शुरू भ जेतै या पार्टी अपना लेवल पर शुरू कर रहल छी, तो चेतन आनंद के बाद की अंशुमन से हो राजनीति दिस एता या फिर आगा की केना हेतै परिवार में से? नहीं नहीं से बात नहीं छे अभी, सबका अपन अपन लोकतंत्र छे, सबके जकरा में काबिलियत छे जे छे से तो होतै, लेकिन अभी चेतन आनंद तो वहाँ पर छे MLA शिवहर में और शिवहर के अभी कर्ज छे और ज्यादा से ज्यादा करना छे, और छेबे करे ने लोकतंत्र में जकरा में जे छे काबिलियत जे छे उ सब हम सब नहीं तय कर सकै छी। बिल्कुल बिल्कुल छे ना? लेकिन अभी जे फिलहाल छे चेतन आनंद पर एक जिम्मेवारी छे, विधानसभा के छे हमरा पर जिम्मेवारी छे, पार्लियामेंट के छे जिम्मेवारी, तो ई सब जे छे जिम्मेवारी तो उ सब पे हमरा आरके अच्छा से निभाना छे। महिला बहुत मजबूत होइ छथि पुरुष के मुकाबले, ये हमर अपन मानब अछि जे महिला के जे सहनशीलता छनि ओ सहनशीलता बहुत बेसी होइ छनि एकटा पुरुष के अपेक्षा। ओहि परिस्थिति में अहाँ मजबूते नहि, अहाँ सब तरहे मजबूत छी, एहन विषम परिस्थिति के झेल कऽ अपना आपके जे मैन ऑफ आयरन कहै छै ताहि स्तर के एकटा आयरन लेडी के रूप में हमरा सब अहाँके देखै छी, तो शिवहर के जे महिला छथि या मिथिला के जे महिला छथि जिनका एखन तक घोघ में सिमट कऽ या फिर महिला के चूल्हा चूका या फिर ई बुझल जाइ छै जे बच्चे टा के ई निर्माण कऽ सकै छथि, तो ओहि महिला सबके केना आत्मनिर्भर बनायल जाए, केना अपना ओहिठुनका महिला अपना क्षेत्र के महिला मिथिला के महिला केना बाहर निकल कऽ अथिन जिनका में जे कला छनि जिनकर जे पॉजिटिव पक्ष छनि सबल पक्ष छनि तिनका निकालल जाए ताकि ओहो बाहर आबि कऽ अपन प्रतिनिधित्व करथिन? देखियो महिला जे छै ने, महिला के एगो रूप के अहाँ वर्णन कर लिए, दोसर रूप जे छै महिला ही दुर्गा होइ छै तो महिला ही काली होइ छै। बिल्कुल, ओकरा जब बहुत ज्यादा टॉर्चर होइ छै तो विकराल रूप भी धरै छै। बिल्कुल, और हमर छोटा वाला अंशुमन आनंद भी बहुत मेहनत करलकै, तो वो हमेशा भाषण में कहै छै मेरी माँ जो है लक्ष्मीबाई एक बच्चा को लेकर के चलती, मेरी माँ 3 बच्चे को पीठ में लाद लाद के मतलब सारा काम की। तो ये हमारे कहे के मतलब छै कि देखियो पंचायती राज में अभी जे छै बिहार सरकार भी 50% आरक्षण के करलकै हन, जिसकी महिला बहुत हर वर्ग के महिला आगे निकल रहल छै, ऊपर 33% महिला के जे आरक्षण यहाँ पर मिललै हन लोकसभा और विधानसभा में केंद्र के द्वारा, इमे हमरो सबके योगदान छै। आनंद मोहन जी मार्शल आउट भेले रहै महिला आरक्षण के पक्ष में और हम 24 घंटा के अरेस्टिंग देलियै रहै, आज जे छै मतलब यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में ई भी फैसला भेले 33% महिला के आरक्षण विधानसभा पार्लियामेंट में, और मुख्यमंत्री जी
नीतीश कुमार जी के द्वारा 50% पंचायती राज में, इसे बहुत सारा चीज छे कि बहुत महिला निकल रहल छे और बहुत का अवसर मिलते और सब पूरा महिला सब निकलते और आगे भी अभी भी बहुत ज्यादा महिला सब अले हन चुन के, लेकिन आगे भी बहुत सारा स्कोप छे और महिला के निकले की जरूरत छे। महिला दोनों काम कर ले कर सके, चूल्हा भी यहाँ के देख ले, पार्लियामेंट भी समय देश भी चला ले, तो ये सब तो होते छे बढ़िया ढंग से। तो आबे के मौका मिलना चाहिए और इतना अच्छा मौका छे जब बिहार सरकार केंद्र सरकार दोनों दिल के हन मौका बाहर निकले। चलो यही में अपना सभा की पहल बातचीत है और फिर जना जना सफर आगा बढ़ते अपना सभा बातचीत होते रहते और क्षेत्र के जनता के सहो कहबन जहाँ सभा जब कोनो सवाल हो तो हमरा सब तक राखी हम नाम तक पहुँचा। बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली में शपथ ग्रहण करवा के लिए समय देवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये छलथ है लवली आनंद जी, हिनकर बातचीत अपने सुनबे कलूँ हाँ और अहू सभक जो कोनो सवाल हो वो सवाल सुझाव अपने सब पठाबी और फिर हमरा सब अगला बातचीत में वही चीज़ के मैम लग रख। बहुत बहुत धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।